हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीनियस एकेडमी अकेडमी सेकेंड अप्रैल की क्विज का सोल्यूशन देखिए फर्स्ट दिया है द मीन मार्क्स ऑप्टेन बाय 300 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इज 45 द मीन ऑफ टॉप 100 स्टूडेंट इज 70 एंड द मीन ऑफ लास्ट हंड्रेड इज नोन टू बी 20 देन फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग हंड्रेड स्टूडेंट्स ये जो टोटल आपके पास थ्री स्टूडेंट्स दिए भी है इनका मीन कितना है आपके पास 45 तो ये तो 300 हंड्रेड इन अगर मैं सम निकालना चाहूँ ये टोटल है इसमें से आपके पास 100 जो स्टूडेंट है उनका मीन है 70 प्लस लास्ट के जो 100 स्टूडेंट है उनका मीन है 20 बचे कितने और 100 बचे तो वो जो 100 स्टूडेंट है उनका मीन क्या ले लो आप एक्स ले लो हो गया सॉल्व तो क्या करेंगे सॉल्व करिए करें इसको ये वन थ्री फाइव डबल जीरो और ये सेवन थाउजेंड और ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइन थाउजेंड हो गया इस तरफ लेके आइए एंड हंड्रेड एक्स माइनस करेंगे तो फोर्टी फाइव हंड्रेड इक्वल टू हंड्रेड एक्स तो फाइनल एक्स कितना आ गया आपका फोर्टी फाइव तो आपको पूछा था फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग हंड्रेड स्टूडेंट्स वो कितना है फोर्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेशो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दाइनस टू फोर सेवन एंड थ्री माइनस फाइव एट लेट वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी टू पॉइंट इन रेशो ले लो आप लैमडा ले लो लैमडा रेशो वन ये एम है और ये क्या है एन है लेट ये ले लिया मैंने रेशो और वी नो दैट कि जो आपके कोई भी पॉइंट होता है एनी एनी पॉइंट ऑन वाई जेड क्या हो जाएगा वाई जेड प्लेन पे क्या हो जाएगा जीरो वाई एंड जेड तो वही आपको क्या फॉर्मूला लगाना है सेक्शन फार्मूला लगाना है एम एक्स टू ये है एक्स वन वाई वन जेड वन ये है एक्स टू वाई टू एंड जेड टू तो फार्मूला लिखूंगी नहीं ऐसे ही बता रही हूँ एम एम लैम्डा है आपका एम एक्स टू एक्स टू इज थ्री प्लस वन एन वाई वन एक्स वन एक्स वन होगा आपका माइनस टू और नेक्स्ट लैमडा प्लस वन सिमिलरली यहाँ भी लैमडा प्लस वन आएगा यहाँ भी लैमडा प्लस वन आएगा नेक्स्ट एम वाई टू एम वाई टू इज माइनस फाइव प्लस एन वाई वन फोर नेक्स्ट के लिए एम जेड टू एट प्लस वन इन जेड वन जेड वन इज सेवन तो हमें सिर्फ यही इक्वेट करना है क्योंकि इसी की वैल्यू कितनी दी है जीरो है तो जीरो इज इक्वल तो टू थ्री लैमडा माइनस टू लैमडा प्लस वन थ्री लैमडा माइनस टू इक्वल टू तो जीरो लैमडा इज इक्वल टू तो टू बाय थ्री मतलब ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने बता दिया ये पहले वाला एक्स का कोऑर्डिनेट दूसरा वाई का एंड तीसरा जेड का होता है तो फाइनल आंसर इज टू रेशो थ्री नेक्स्ट दिया है सर्कल्स की इक्वेशन है आपके पास दो इक्वेशंस दिए है और ऑप्शन में दिया है कैसे कहाँ टच कर रहे हैं इच अदर इंटरनली एक्सटर्नली इंटरसेक्ट ईच अदर तो दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास कि अगर हम डिस्टेंस निकाल दे दो सेंटर के बीच अगर वो आर वन और आर टू जो रेडियस है दोनों सर्कल्स के इक्वेशन के अगर उसके इक्वल आ जाए तो हमें पता है कि टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एक्सटर्नली हो गई और यहां पे अगर उसका डिफरेंस आ जाए मतलब दो डिस्टेंस दो सेंटर का जो डिस्टेंस फॉर्मूले सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू डिफरेंस के इक्वल आ जाए दो रेडियस का रेडिया का तो दैट मींस वो क्या होता है इंटरनली टच टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली क्लियर तो बस हमें यही करना है आपके पास दो इक्वेशन दी है एक इक्वेशन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एक्स माइनस एट वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो तो इसका पहले सी वन निकाल देते हैं सेंटर क्या होता है माइनस हाफ ऑफ कफिशियंट ऑफ एक्स माइनस हाफ ऑफ कफिशेंट ऑफ एक्स माइनस हाफ ऑफ कफिशेंट ऑफ टू माइनस हाफ ऑफ कफिशेंट ऑफ वाई तो ये सीवन जो आपका आ गया माइनस वन एंड फोर सिमिलरली सेकेंड जो इक्वेशन है आपके पास सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क् प्लस वाई स्केयर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो सेम हेयर हम सेंटर निकालेंगे सी टू माइनस हाफ ऑफ द कफिशियंट ऑफ एक्स और हाफ ऑफ कफिशियंट ऑफ वाई y है आपके पास माइनस सिक्स तो दैट मीन्स c2 कितना आ गया माइनस वन एंड थ्री तो c1 भी पता चल गया आपको c2 भी पता चल गया दैट मीन्स अगर मैं सी वन और सी टू सी वन और सी टू का डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग का कितना डिस्टेंस है बीच में वो निकाल देती हूँ तो कितना है एक एक्स वन वाई वन एक एक्स टू वाई टू तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन ये तो जीरो हो गया एंड नेक्स्ट थ्री माइनस फोर माइनस वन हो गया तो माइनस वन का वन मतलब सी वन सी टू के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है वन अब मुझे रेडियस भी पता चाहिए तो जो ये वाली इक्वेशन है इसका रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस क्या होता है आर वन इक्वल टू जी स्क्र तो वन प्लस एफ स्क्र फोर का स्केयर सिक्सटीन माइनस सी माइनस ऑलरेडी सी ऑलरेडी माइनस में माइनस माइनस प्लस तो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव दैट मीनस आर वन कितना आ गया फाइव सिमिलरली हेयर ये वाली जो इक्वेशन यहां से आर टू निकाल दीजिए तो आर टू कितना होता है जी स्केयर वही जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी अब जी कितना है माइनस वन और ये है थ्री तो वन का स्केयर वन और थ्री का स्केयर नाइन माइनस सी माइनस सिक्स है माइनस माइनस प्लस तो ये होगा टेन सिक्सटीन सिक्सटीन किसका होता है आर टू आ गया आपके पास फोर तो आर टू भी पता चल गया आर वन भी पता चल गया तो दैट मीन्स मैंने क्या कहा था दो कंडीशन है तो फिर कौन सी अप्लाई हो रही है फाइव माइनस फोर कितना होता है वन ये वाली अप्लाई हो रही है क्यों क्योंकि वी नो दैट मैंने क्या कहा था कि अगर जो सेंटर C1 और C2 इक्वल आ जाए तो इनका एडिशन तो आपको पता है नाइन हो जाएगा लेकिन जो आपका R1 है बड़ा है फाइव माइनस फोर किसके इक्वल हो रहा है R1 वन माइनस आर वन और C1 C2 भी आपका वन है तो दैट मीन्स क्या ऑप्शन होगा आपका द सर्कल टच इज ईच अदर इंटरनली एट माइनस वन माइनस वन नेक्स्ट दिया है आपके पास पैराबोला है इज़ अ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आपके पास दी है तो आपको पता है सेंटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा जीरो जीरो एंड अगर इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्केर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्केर से तो दैट मीन्स हमारा आर कितना हो गया फोर आ गया आर भी पता चल गया तो ये जो पॉइंट है आपका फोर एंड जीरो है और ये पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है ए नाम है उसका अब आपके पास वॉर्टेक्स ऑफ पैराबोला भी क्या है ये भी कितना है जीरो जीरो तो वॉर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज ऑल्सो जीरो जीरो एंड फोकस क्या हो गया फोकस ऑफ पैराबोला जो ये यही हो गया ए फोर जीरो ये वाला फोकस क्लियर तो पूछा है ऑप्शन में सर्कल पासिस थ्रू सर्कल पासिस थ्रू द फोकस सर्कल लाइज इन साइड द पैराबोला ऐसा ऑप्शन है तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है सर्कल पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला नेक्स्ट ये है द वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है सो दैट द वॉल्यूम ऑफ पेलेलो पाइप फॉर्म्ड बाय इन तीनों से ठीक है बिकम्स मिनिमम तो नो दैट वॉल्यूम ऑफ पेलो पाइप वी से डिनोट करते हैं और ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो मैंने ऐसे लिख दिया और क्या क्या आ जाएगा वन ए के और ये नेक्स्ट में जीरो है जे कैप है वन और नेक्स्ट के के ए के नेक्स्ट ए और जीरो एंड वन डिटर्मिनेंट कर लेते हैं इसका कितना हो जाएगा ये वन वन माइनस जीरो जीरो माइनस ए स्के प्लस के ये के की जगह वन था यहाँ पे ठीक है और वन और जीरो माइनस ए तो कितना हो गया ये वन माइनस 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 प्लस हो गया ए क्यूब और माइनस ए दैट मीन्स ये हो गया ए क्यूब माइनस ए प्लस वन वॉल्यूम ऑफ पैरलो पाइप अब मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं हम करते थे डिफरेंशिएट तो इसको डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू ए तो वी डैश ए कितना हो जाएगा थ्री ए स्क्र माइनस वन और फिर क्या करते थे वी डैश एफ डैश एक्स को हम जीरो पुट करते थे तो थ्री ए स्क्र माइनस वन ए की वैल्यू आपकी प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री तो जो ए की वैल्यू है हमारी वो हम डबल डिफ्रेंशिएट में पुट करेंगे तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया वी डबल डैश इक्वल टू सिक्स ए और सिक्स ए ग्रेटर देन जीरो इफ ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वन बाय रूट थ्री तो वी ए इज मिनिमम वेन ए इक्वल टू वन बाय रूट थ्री तो फाइनल आंसर इज वन बाय रूट थ्री आज के लिए इतना ही डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी होती रहे और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू वेरी मच